हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, डायरेक्टर जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं इस नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं एक कॉमन टॉपिक कि महिलाओं को पीरियड के दौरान आखिर दर्द होता क्यों है। हर महिला ने अपनी लाइफ के किसी न किसी फेज़ में दर्द ज़रूर महसूस किया है, पीरियड्स का या उन दिनों का पेन, जो कि कॉमन फ्रेज बोला जाता है कि उन दिनों का दर्द या उन दिनों का पेन, जो कि कई बार इतना असहनीय हो जाता है कि दर्द के लिए गोलियां लेनी पड़ती है और गोलियों से भी कई बार फ़र्क नहीं पड़ता तो इंजेक्शन्स तक लेने की नौबत आ जाती है। लेडी घर में मेन सेंटर पॉइंट होता है, उसके काम नहीं करने से, बेडरिडन हो जाने की वजह से बहुत सारी एक्टिविटीज़ रुक जाती हैं और आजकल की लेडीज़ वर्किंग भी हैं, स्कूल भी जाती हैं, काम भी करती हैं, घर का काम भी संभालना होता है, तो ऐसी स्थिति में पीरियड्स का पेन उनको बिल्कुल निढाल कर देता है। तो आज हम देखेंगे कि आखिर कारण क्या है और उनका इलाज क्या है। पीरियड्स के दौरान होने वाला दर्द को बोलते हैं डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया का मतलब कि दर्द, और मेनोरिया का मतलब पीरियड्स के दौरान होने वाला दर्द। अब ये प्राइमरी हो सकता है या सेकेंडरी हो सकता है। प्राइमरी का मीनिंग है कि जब से आपको पीरियड आना शुरू हुए हैं, यानी कि मेनार्के के टाइम पे, यानी कि 11-12 साल की उम्र में जब आपके पहली बार पीरियड्स आए थे, तभी से आपको पीरियड्स में पेन है और वो आगे तक कंटिन्यू है, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी डिसमेनोरिया। लेकिन जो दूसरा टर्म है सेकेंडरी डिसमेनोरिया, उसका मीनिंग ये कि शुरुआती पीरियड आपके नॉर्मल थे, उस दौरान आपको कोई बहुत ज़्यादा दर्द नहीं था, लेकिन अब लाइफ के किसी स्टेज में आकर, जैसे कि 30s में या 40s में आके अब आपको पेन शुरू हो गया है जो पहले नहीं था, तो वो कहलाता है सेकेंडरी डिसमेनोरिया। तो प्राइमरी या सेकेंडरी डिसमेनोरिया के अलग अलग कारण हैं, क्योंकि प्राइमरी डिसमेनोरिया जो जनरली यंग गर्ल्स में यानी टीनएजर्स में पाया जाता है, वो थोड़ा फिजियोलॉजिकल होता है, क्योंकि शुरुआत में जब पीरियड आना शुरू होता है तो उसके कारण एडजस्टेबिलिटी कम होती है और यूट्रस जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसके कारण पीरियड्स में पेन आने लगता है। तो दिस इज़ द बेसिक कॉज ऑफ द पेन ड्यूरिंग द मेंसेस। दैट मीन्स कि जब यूट्रस की जो मांसपेशियाँ सिकुड़ती है या कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, तो उनकी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से पेन सेंसेशंस आते हैं। दूसरा कारण ये होता है कि प्रोस्टाग्लैंडिंस का निर्माण, जैसे ही महीना आना शुरू होता है बॉडी के अंदर, तो प्रोस्टाग्लैंडिंस नाम का केमिकल बॉडी में यूट्रस के आसपास और पेल्विस में बनने लग जाता है, जिसके कारण पेन हमें महसूस होने लगता है। इसके अलावा आपने ये भी सुना होगा कि भाई मेरे पेडू में दर्द और बैक में दर्द, और कई बार ये दर्द दोनों तरफ की थाइज में भी रेडिएट होता है। तो इस तरीके से ये जो केमिकल है और जो यूट्रस की जो नर्व्स हैं जो सप्लाई करती हैं, तो वो आसपास में रीढ़ की हड्डी से, पेडू से और दोनों तरफ की जो थाइज हैं उनसे भी जुड़ी होती हैं, जिसकी वजह से ये दर्द इस तरीके से रेडिएट करता है, यानी कि फैलता है। तो मेन कारण जो प्राइमरी डिसमेनोरिया या फिर सेकेंडरी डिसमेनोरिया का मान सकते हैं, वो एक केमिकल्स ही है, लेकिन सेकेंडरी डिसमेनोरिया के और भी कई कारण हो सकते हैं, जो वीडियो के अगले भाग में हम बात करेंगे। बट प्राइमरी डिसमेनोरिया का मेनली कारण यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन है, दूसरा प्रोस्टाग्लैंडिंस का निर्माण है, तीसरा बच्चियां होती हैं अभी पीरियड का सेटलमेंट नहीं हुआ है, दर्द को सहन थोड़ा कम कर पाती हैं तो उनको थोड़ा दर्द भी काफ़ी ज़्यादा लगता है। लेकिन अगर आपको ये इतना ज़्यादा हो रहा है कि आपको उसके लिए दवाई लेनी पड़ रही है या इंजेक्शन्स लेने की ज़रूरत पड़ रही है, या आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, या आप अपना नॉर्मल काम भी नहीं कर पा रहे हैं, तो एक चिंताजनक स्थिति हो सकती है। ऐसी स्थिति में आप अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह कर लें कि आखिर और कोई कारण तो नहीं है जिसकी वजह से दर्द हो रहा है। हम एक और कारण को डिस्कस करेंगे, जो कि है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, यानी PMS। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के बारे में आपने सुना होगा, ये जनरली बच्चियों में यानी टीनेजर्स में और 20s के अंदर पाया जाता है। ये भी डिसमेनोरिया का एक कारण है, ये एक हार्मोनल डिसबैलेंस का कारण PMS का होता है, और इसका एक मेन लक्षण होता है कि पीरियड आने के एक दो हफ्ते पहले ही दर्द शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे पीरियड आने की तारीख की तरफ बढ़ते हैं तो ये सीवियरिटी में थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है, और फिर जैसे ही पीरियड आता है तो फिर ये कम होने लग जाता है। तो ये हार्मोनल जो चेंजेस आते हैं पीरियड्स के दौरान, यानी कि जब ईस्ट्रोजन से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आता है, फिर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल जब डाउन आने लगता है, तो उसके बाद जब पीरियड शुरू होता है तो एक तरह से बॉडी के अंदर कंजेशन शुरू होता है, यानी कि ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, पानी का रिटेंशन होने लगता है, वाटर रिटेंशन बोलते हैं, जिससे कि बॉडी थोड़ी स्वेलिंग लगती है, फेस पे थोड़ा पफिनेस आ जाता है, बॉडी का वेट थोड़ा बढ़ जाता है, और उसके साथ में ही पेल्विक कंजेशन यानी कि खून का फ्लो बढ़ने के कारण वहाँ केमिकल्स का कंसंट्रेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये पेन होता है। और जैसे ही हार्मोन का लेवल नीचे आता है जब पीरियड शुरू होता है, तो ये ऑटोमेटिकली
दर्द ठीक हो जाता है काफ़ी हद तक, और जो बॉडी में जो वाटर रिटेंशन हुआ है वो भी ऑटोमेटिकली निकलने लगता है और बॉडी नॉर्मल होने लगती है। तो पीएमएस का एज सच डायरेक्टली कोई इलाज नहीं है। हाँ, बट अगर आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है तो जो 21 दिन की गोलियाँ ओसी पिल्स का ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है। ओसी पिल्स के बारे में हमने हमारे पहले वीडियो में भी डिस्कस किया था, जिसमें हमने बताया था कि ओसी पिल्स को पीरियड्स के पेन के दौरान यूज़ किया जा सकता है, और ये 21 दिन का पैकेट आता है जो कि डे 1 से डे 21 तक चालू किया जाता है, या डे 5 से डे 26 तक भी इन्हें लिया जा सकता है, जिससे कि ये जो हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं बॉडी के अंदर वो आना बंद हो जाते हैं, क्योंकि एक सस्टेन रिलीज टैबलेट्स के कारण हार्मोन का लेवल बॉडी में एक जैसा बना रहता है, जिसकी वजह से फ्लक्चुएशन नहीं आते हैं, और पीरियड्स के दौरान पेन यानी पेन का कॉज करने वाला जो प्रोस्टाग्लैंडिन है और जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल का ऊपर नीचे जाना होता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है, जिसकी वजह से पेन काफ़ी हद तक कम हो जाता है। ये तो रही कि फिजियोलॉजिकल डिसमेनोरिया, यानी कि ये जो कॉज हमने बात की है उनमें एज सच कोई बीमारी नहीं है, ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस है या प्रोस्टाग्लैंडिन केमिकल्स के कंसंट्रेशन के कारण पेन हो रहा है। लेकिन कई बार किसी भी चीज़ को हमें हल्के से नहीं लेना चाहिए। अगर आपको ऐसा पेन है तो आप अपनी सोनोग्राफी यानी अपने बच्चे की या अपना डॉटर या सिस्टर जो भी हैं उनकी सोनोग्राफी आप ज़रूर करवाइए। सोनोग्राफी करवाने से आपको ये पता चलेगा कि बच्चेदानी के अंदर या अंडेदानी के अंदर किसी प्रकार की कोई गांठ या और कोई तरीके की बीमारी नहीं है, क्योंकि कई बार वैसे तो बच्चों में इन चीज़ों के होने की संभावनाएं काफ़ी कम होती है, बट फिर भी फाइब्रॉइड हो सकता है, ओवेरियन सिस्ट हो सकती है, एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, या और भी कोई प्रकार की कोई बीमारी हो सकती है, क्योंकि जो सोनोग्राफी से हमें काफ़ी हद तक पता चल जाती है। तो सोनोग्राफी करवाने से हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा और हम इनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी डिसमेनोरिया की। सेकेंडरी डिसमेनोरिया का हमने पहले बताया आपको कि पहले आपके शुरुआती पीरियड्स आपके नॉर्मल आ रहे थे, लेकिन अब किसी कारणवश उनमें दर्द होना स्टार्ट हो गया, यानी कि पहले आपके पेनलेस पीरियड्स थे जो अब पेनफुल हो गए हैं, यानी कि 30s में 40s में आपके पेन्स का पैटर्न चेंज हो गया है, आपको ब्लीडिंग हैवी आने लगी है, या फिर आपको पीरियड्स के टाइम पे कॉन्ट्रैक्शंस बहुत आके पेन आने लग गया है, पेड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा है, या आपको बैकएक होने लगा है और वो दर्द आपका थाइस में रेडिएट कर रहा है, या इसके साथ में आपको एसोसिएटेड कोई हेडेक वगैरह भी हो रहा है, तो ये एक अलार्मिंग सिम्टम है, क्योंकि जिसको पहले पेन नहीं था और अब पेन होने लगा है, दैट मीन्स कि अब कोई नई बीमारी शरीर के अंदर बन रही है, जिसकी वजह से ही आपको पीरियड्स में पेन या हैवी ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है। तो इस समय आपको इन्वेस्टिगेशन करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस स्थिति को इग्नोर बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है।